रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के। हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एसएस। आज हम स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। मैंने 3 पोटैटो यूज किए हैं। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्च, अजवाइन जिसे हम हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, इन पर मैं लगाऊंगी टोमेटो सॉस। और जो बचे हुए 2 स्लाइस हैं ब्रेड के, उसमें मैं लगाऊंगी ग्रीन सॉस। आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी यूज कर सकते हैं। अब पोटैटो मिक्सचर जो हमने तैयार किया था उसे हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे कवर कर लेंगे। अब नाइफ की हेल्प से हम इसे ट्रायंगुलर शेप में काटेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गरम हो रहा है हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बोल में डालेंगे हम 1 कप बेसन, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे पानी हम आराम से ही डालेंगे, क्योंकि ना तो हमें इसे ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है। ये हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तक ही चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब एक ब्रेड पकौड़ा लेकर हम इस बेसन के बैटर में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर उसे हम फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। अब एक चम्मच की हेल्प से हम इसके ऊपर भी तेल डालेंगे। और एक साइड से पकाने के बाद हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए ब्रेड पकोड़ा को भी तल लेंगे। तो अब हम इसे काट के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने टेस्टी लग रहे हैं ये, और बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इसे हम टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।